what is tense and what is the types of tense and the subcategories of their types. Let's talk about today. तो हम टेंस के बारे में बातें करने वाले हैं. सबसे पहले देख लेते हैं कि टेंस होता क्या है. टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और काल को हम बोलते हैं टाइम, और टाइम का मतलब क्या होता है? समय. राइट, यानी कि समय और काल दोनों आप इक्वल समझ सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द टेंस. जो टेंस होता है ना, एक्चुअली टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ अ वर्ब. एक वर्ब के टाइम को डिनोट करता है और एक्शन, और जो एक्शंस होता है उसको क्या करता है? डिनोट करता है. एंड दैट इज कॉल्ड टेंस एग्जैक्टली. सो वील कैटेगराइज दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेज टूडे. देयर आर अप्रॉक्सिमेटली द पीपल कैटेगराइज एंड आई ऑल्सो कैटेगराइज द टेंसेज आर थ्री टाइप्स. द फर्स्ट वन इज आई हैव रिटन पास्ट एंड देन टेंस, पास्ट टेंस. द सेकेंड वी हैव विच इज प्रेजेंट, दिस इज प्रेजेंट टेंस. इसको प्रेजेंट नहीं बोलते हैं, इसको प्रेजेंट बोलते हैं. खत्म. नेक्स्ट एक्चुअली विच वी हैव विच इज कॉल्ड फ्यूचर, फ्यूचर टेंस. लेट्स टॉक अबाउट द हिंदी ऑफ दिस. एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज कॉल्ड पास्ट टेंस. पास्ट को हिंदी में बोलते हैं भूत, टेंस को बोलते हैं काल. तो हिंदी ऑफ दिस इज भूतकाल. लेट्स टॉक अबाउट दिस. एक्चुअली प्रेजेंट इज कॉल्ड इन हिंदी वर्तमान एंड टेंस इज कॉल्ड काल. द हिंदी ऑफ दिस इज वर्तमान काल. फ्यूचर की हिंदी होती है भविष्य, भविष्य. एंड टेंस मीन्स काल, इसका मतलब होता है भविष्य काल. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेज विच हैव रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड. लेट्स टॉक अबाउट द सब कैटेगरीज ऑफ दिस. इनकी हम कैटेगरीज और देख लेते हैं क्या क्या होती हैं. इफ आई टॉक अबाउट दिस पास्ट टेंस, तो इसकी चार कैटेगरीज होती हैं, टोटल फोर कैटेगरीज होती हैं. इसकी भी फोर सब कैटेगरीज होती हैं, ये भी फोर टाइप्स के होते हैं. यानी कि ये तीनों चार चार टाइप होते हैं, टोटल मिलाकर 12 हो जाएंगे, 12 टाइप्स. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन इज दिस. इसका जो होता है हम बोलते हैं पास्ट इनडेफिनिट, पास्ट इनडेफिनिट टेंस, पास्ट इनडेफिनिट टेंस. और जो प्रेजेंट का होता है सिंपल, बस आपको लगाना है प्रेजेंट ऐसे इनडेफिनिट एंड टेंस. और फ्यूचर का क्या हो जाएगा बोलते जाइएगा. इसका इसका भी वन फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस. लेट्स टॉक अबाउट द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस. इसकी हिंदी की मीनिंग देते हैं. इसको हम बोलते हैं भूत, क्लियर. इसको हम बोलते हैं अनिश्चित, इनडेफिनिट, अनिश्चित. जैसे डेफिनिट का मतलब निश्चित होता है, तो इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, टेंस मीन्स होता है काल. द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस लाइक पास्ट इनडेफिनिट हिंदी जो होती है भूत अनिश्चित काल होती है. लेट्स टॉक अबाउट दिस. इसको हम बोलते हैं वर्तमान, इनडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, अनिश्चित. एंड देन टेंस मीन्स क्या होता है? काल होता है. तो ये हो जाएगा वर्तमान अनिश्चित काल. लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस. इसकी मीनिंग क्या होती है? इसको बोलते हैं भविष्य. क्या बोल देंगे? भविष्य अनिश्चित, है ना, अनिश्चित काल. ये हो जाएगा भविष्य अनिश्चित काल. सो ये हो गई कैटेगरीज. लेट्स टॉक अबाउट द इसकी सेकेंड कैटेगरी देखते हैं. इसकी भी सेकेंड और उसकी भी सेकेंड देख लेते हैं. सेकेंड वन जो होती है वो होती है ऐसे होती है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस टेंस ऐसे करके बोलते हैं. और इसका फिर क्या हो जाएगा सेकेंड वाला? इसका भी सेकेंड होगा ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, टेंस समथिंग लाइक दिस. और इसका क्या हो जाएगा सेकेंड वाला? इसका हो जाएगा फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस लेट्स टॉक अबाउट. एक्चुअली इसको हम बोलते हैं भूत, पास्ट को बोलते हैं भूत. कंटिन्यूस को हम बोलते हैं अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब होता है कि जो कंप्लीट ना हुआ, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस. मीन्स द वर्क इज कंटिन्यू, वर्क काम जारी रहता है. और टेंस मीन्स क्या होता है? ये होता है काल. तो भूत अपूर्ण काल, इसकी पूरी हिंदी हो जाएगी. लेट्स टॉक अबाउट दिस. इसकी हम बातें करते हैं. इसको बोलते हैं वर्तमान, ये हो गया अपूर्ण, और ये हो गया काल. इसकी हो जाएगी वर्तमान अपूर्ण काल. इसकी हिंदी देख लेते हैं भविष्य, ये हो जाएगा भविष्य. ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण
काल, भविष्य अपूर्ण काल, तो इसकी ये मीनिंग होंगे। चलिए देख लेते हैं इसकी जो तीसरी कैटेगरी होती है, इसकी भी तीसरी और उसकी भी तीसरी। नौ हमारे पास हो जाता है थर्ड कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं ये हो गया पास्ट, ये होता है परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है तो ये प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं, तो द थर्ड मीनिंग विल बी वी हैव, हमारे पास हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, तो थर्ड मीनिंग हमारे पास हो जाएगा फ्यूचर, ये होगा परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये हमारे पास तीनों की मीनिंग हो जाए। लेट्स टॉक अबाउट द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस। पास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, भूत कहते हैं। परफेक्ट को हम बोलते हैं पूर्ण, नहीं कहते हैं। राइट, प्रैक्टिस मेक्स मन परफेक्ट, यानी जो प्रैक्टिस होती है एक व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। परफेक्ट मीन्स पूर्ण हो गया, कंप्लीट। ये हो गया टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है, काल। तो हिंदी मीनिंग ऑफ दिस भूत पूर्ण काल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्तमान। इसको हम बोलते हैं पूर्ण, इसको हम बोलते हैं काल, भूतपूर्व काल। लेट्स टॉक अबाउट दिस, इसकी मीनिंग कहते हैं हम, हो जाएगा भविष्य। क्या बोलेंगे, भविष्य पूर्ण काल, ऐसे हो जाएगा, तो भविष्य पूर्ण काल। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ कैटेगरी ऑफ दिस, इसकी हम चौथी कैटेगरी देते हैं, इसकी भी चौथी और इसकी भी चौथी, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। दिस इज द फोर्थ वन, जिसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, ये हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस, ये हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका भी फोर्थ क्या हो जाएगा, इसका ऐसे होगा, ऐसे प्रेजेंट, ये हो जाएगा परफेक्ट, ये हो जाएगा कंटिन्यूअस, ये हो जाएगा टेंस। आप कंटिन्यूअस को कंप्लीट लिख लेना, मैं छोटा लिख दिया हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन ऑफ दिस, इसको हम बोलते हैं ऐसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट, पूरा टेंस मैं अच्छे से पूरा क्लियर कर दूंगा, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस एग्जैक्टली, बट हम देख लेते एक एक करके इसके टाइप्स क्या होते हैं, फिर एक एक करके सारा मैं एकदम क्लियर करने वाला हूँ आपके लिए। चलो चलिए हिंदी देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं भूत। परफेक्ट मीन्स क्या होता है, पूर्ण, और इसको बोलते हैं अपूर्ण। क्या बोलते हैं, अपूर्ण। तो इसका हो जाएगा पूरापूर्ण, यानी ये हो गया पूरापूर्ण, इस तरीके से बोलते हैं पूरापूर्ण, भूत पूरापूर्ण काल, ऐसे अपूर्ण। यहाँ पर ऐसे इसका संधि हो गई, तो दोनों मिल गया पूर्ण और अपूर्ण, दोनों मिल गया, हो गया पूरापूर्ण काल। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, वर्तमान, वर्तमान पूरापूर्ण पूरापूर्ण काल, इस तरीके से। इसका क्या हो जाएगा हमारा, भविष्य, ऐसे भविष्य पूरापूर्ण काल, पूरापूर्ण काल। तो ये हो जाता हमारा भविष्य पूरा पूर्ण काल। तो ये हमारे पास होते हैं टेंस, और टेंस की ये चारों कैटेगरीज होती है, अगर आप देखना चाहें तो अच्छे से देख सकते हैं। आइए हम एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं। टेंस क्या होता है, टेंस होता है, टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ द वर्ब्स और एक्शंस, वर्ब के जो टाइम को बताता है और एक्शन के टाइम को बताता है। ये तीन तरह का होता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसके भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, चार चार कैटेगरीज सारे की होती हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी भी होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी भी चार होती हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गए हमारे पास, हो गए टेंस के सब कैटेगरीज। आइए हम देख लेते हैं।